दोस्तों सब्सक्राइब कर लें शर्मा जी ऑटो डील चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल के ऊपर सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मात्र 3 लाख रुपए में मिलने वाली मिनी LCV गाड़ियां जो कि सेकंड हैंड आपको मिल जाएंगी 3 लाख के बजट के अंदर। उसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 3 लाख में मिलने वाली ऊंचे मॉडल गाड़ियां जो कि ऊंचे मॉडल 17, 18, 19 के मॉडल आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली गाड़ी जो मैंने रखी है इस लिस्ट में उस पर है दोस्तों महिंद्रा की सुप्रो T2 गाड़ी। दोस्तों रिसेंटली महिंद्रा सुप्रो T2 गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा बिक रही है, मार्केट में अच्छा खासा नाम बना रही है। पेलोड कैपेसिटी की अगर बात की दोस्तों तो टाटा SHG से थोड़ा ज़्यादा इसका जो है पेलोड कैपेसिटी है, और बड़ी आसानी से गाड़ी जो है 2 टन तक माल उठा के लेके जा सकती है, और कई हालातों में देखा गया है कि 2500 kg तक भी उठा लेती है दोस्तों। दूसरों को बता दूँ कि सुप्रो जो है वो 3 वेरियंट में आती है। इसमें जो है सुप्रो T2, T4 और T6 में आती है। T4 और T6 जो है, T4 वेरियंट जो है वो पावर स्टेयरिंग में है, और T6 जो है पावर स्टेयरिंग के साथ जो है AC वाला वेरियंट है, और T2 जो है वो विदाउट AC है और विदाउट जो है पावर स्टीयरिंग है। तो आपको 2018 मॉडल ये मिल जाएगा 3 लाख रुपए में। अब क्योंकि दोस्तों ये एक मिनी LCV गाड़ी है और मिनी LCV गाड़ियां ज़्यादातर लोकल चलती हैं, तो कस्टमर की सबसे पहली डिमांड होती है गाड़ी खरीदने के वक्त कि गाड़ी माइलेज क्या देगी आपको। दोस्तों माइलेज की अगर बात की जाए तो हाईवे के ऊपर लोड होने के बाद आपको माइलेज मिल जाएगी 22 किलोमीटर प्रति लीटर की, और लोकल आपको लोड होने के बाद माइलेज मिल जाएगी 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की, जो कि मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत ही बढ़िया माइलेज है। तो अगर आपका बजट है 3 लाख रुपए का तो आप जो है महिंद्रा की सुप्रो T2 गाड़ी के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको 18 मॉडल मिल जाएगी बहुत ही अच्छी कंडीशन की। अब बढ़ते दोस्तों हमारी अगली गाड़ी की तरफ, जिसमें मैंने यहाँ पे रखा है टाटा एस छोटा हाथी। अब यहाँ पे अगर दोस्तों टाटा एस छोटा हाथी की बात की जाए तो टाटा एस HT गाड़ी दोस्तों अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, जो कि बहुत ही लगभग पिछले 13-14 सालों से मार्केट में राज करती आई है और बहुत ही ज़्यादा बिक भी रही है। दोस्तों इस गाड़ी की अगर पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो ये भी गाड़ी बड़ी आसानी से 2 टन माल लेके जा सकती है। ओवरलोड में भी गाड़ी अच्छी है, और अगर इस गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो माइलेज भी आपको 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर की निकाल के देगी, और गाड़ी की मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है। तो अगर दोस्तों आप 3 लाख में बजट में अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपको टाटा इस HT गाड़ी भी पसंद है तो आप टाटा इस HT गाड़ी खरीद सकते हैं। 17 मॉडल गाड़ी दोस्तों आपको 3 लाख रुपए तक की मिल जाएगी अच्छी कंडीशन की। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपका बजट 3 लाख का है तो आप टाटा इस HT के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी का जो है आपको जो है सर्विस भी सस्ती पड़ेगी, और गाड़ी खरीदने के बाद जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो भी कम आएगी, और गाड़ी क्योंकि दोस्तों काफ़ी सालों से मार्केट में है, अगर गाड़ी की कहीं लग बज भी जाती है या कोई थोड़ा बहुत जो है गाड़ी में नुकसान आता है, कोई परेशानी आती है, तो आपकी रिपेयर जो है वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी, और पार्ट कोई डैमेज होता है तो आपको जो है पार्ट जो है मार्केट में से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको प्रॉपर एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी को रिपेयर करवाने में, क्योंकि दोस्तों गाड़ी पुरानी है, काफ़ी जो है सालों से मार्केट में बिक रही है, तो इसका स्पेयर पार्ट भी जो है बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपका 3 लाख का बजट है आप जो है टाटा इस HT गाड़ी के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको 17 मॉडल मिल जाएगी 3 लाख रुपए के बजट में अच्छी कंडीशन में। और आपको बताऊं दोस्तों कि टैक्स और पासिंग भी आपको साथ में इस गाड़ियों के कंप्लीट मिल जाएंगे, ये जो मैं रेट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ, जो मैंने 3रे स्थान पर यहाँ पर रखी है, तो वो दोस्तों गाड़ी है अशोक लीलैंड की दोस्त गाड़ी। अब दोस्तों अगर अशोक लीलैंड दोस्त गाड़ी की बात की जाए तो पहले जो मैंने 2 गाड़ियां आपको दिखाई, सबसे ज़्यादा जो है पेलोड कैपेसिटी अशोक लीलैंड दोस्त गाड़ी की है इस अपने सेगमेंट में। ये भी मिनी LCV सेगमेंट में भी गाड़ी आती है, लेकिन दोस्तों इस गाड़ी की अगर पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो जो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं टाटा इस HT और महिंद्रा सुप्रो से, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाई हैं, तो उसमें अगर दोस्तों बात की जाए तो वो अगर गाड़ी ओवरलोड होकर 2 टन तक माल उठाती है तो ये गाड़ी ओवरलोड होकर 4 टन तक माल उठा के लेके जा सकती है। अगर दोस्तों इस गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज आपको लोड होने के बाद हाईवे के ऊपर मिल जाएगी, और लोकल आपको 13-14 की माइलेज मिल जाएगी, तो ये भी अच्छी गाड़ी है, आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अगर दोस्तों आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं और आप लोड ज़्यादा करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए अशोक लीलैंड दोस्त गाड़ी बेस्ट रहेगी। अशोक लीलैंड दोस्त गाड़ी की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको 2016-15 मॉडल मिल जाएगा 3 लाख रुपये में अच्छी कंडीशन में, टैक्स और पासिंग कंप्लीट के साथ। अगर दोस्तों इस गाड़ी के मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस इस गाड़ी की भी
और ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खर्चा आपको नहीं पड़ेगा। हालांकि लोगों के ऊपर जो है काफ़ी अभी तक ऐसा लग रहा है लोगों को कि इसकी जो है मेंटेनेंस काफ़ी आती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी गाड़ी की मेंटेनेंस कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपने पास रखी हुई है पहले से अशोक लेलैंड दोस्त गाड़ी, तो आपको ये गाड़ी काफ़ी पसंद आएगी। हालांकि दोस्तों लोग इसके मुकाबले जो है बलेरो पिकअप गाड़ी को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 3 लाख का है तो आपको दोस्तों बलेरो पिकअप गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है 15-16 मॉडल 3 लाख रुपये के बजट में। बलेरो पिकअप की जो है कीमत दोस्तों 15-16 मॉडल की बड़ी आसानी से 5 लाख से 5.5 या 6 लाख तक जाएगी। तो आपको जो है यहाँ पे दोस्त गाड़ी के साथ जाना चाहिए और 3 लाख में आपको वो गाड़ी मिल जाएगी 15-16 मॉडल की। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि यहाँ पे मैंने रखी है महिंद्रा की जीतो गाड़ी 4th नंबर पे। अब दोस्तों इस गाड़ी की अगर बात की जाए तो ये रिसेंटली 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है अपने सेगमेंट में, और मिनी एलसीवी सेगमेंट में दोस्तों ये गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा धमाका कर रही है और बहुत ही ज़्यादा बिक भी रही है। और दोस्तों अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको 19 मॉडल मिल जाएगी जो है 3 लाख रुपये के बजट के अंदर। अगर दोस्तों इस गाड़ी की बात की जाए माइलेज की, तो ये गाड़ी दोस्तों आपको बड़े ही हैरान कर देने वाला यहाँ पे माइलेज निकाल के देगी। ये गाड़ी दोस्तों आपको हाईवे के ऊपर 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल के दे देगी, और अगर आप गाड़ी को लोकल चलाते हैं फिर भी गाड़ी की माइलेज आपको 30 से 32 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की यहाँ पे निकल के मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये गाड़ी तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी अगर आप शहर के अंदर गाड़ी चलाते हैं। और डाले की अगर बात की जाए तो इसका डाला भी जो है दोस्तों ये छोटी गाड़ी नहीं है, इसमें कई वेरियंट आते हैं, S6 आता है, X7 आता है, L11 आता है। तो उसमें दोस्तों अगर आप X7 वेरिएंट को चूज़ करेंगे जिसका जो है डाला 7 फीट का है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। 19 मॉडल आपको मिल जाएगी 3 लाख रुपए तक की, और नई गाड़ी की कीमत है दोस्तों 3,70,000 के आसपास। तो बस तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई 4 ऐसी गाड़ियां जो कि आपको 3 लाख रुपए के बजट के अंदर मिल जाएंगी। हालांकि दोस्तों मैं यहां पे पुष्टि नहीं करता हूं कि इतनी मॉडल आपको 3 लाख में मिली जाएंगे। हो सकता है आपको पुरानी गाड़ी, जैसे मैं हर वीडियो में अपने बताता हूं कि पुरानी गाड़ी का कोई रेट नहीं होता है, हो सकता है आपको 10-20 हज़ार सस्ती गाड़ी मिल जाए, हो सकता है आपको 10-20 हज़ार महंगी मिल जाए। लेकिन अगर दोस्तों गाड़ी की बात की जाए तो एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो इतने तक के आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप देखते रहें शर्मा जी ऑटोज़।